हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने चना दाल का स्टफ पराठा बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी बनी है। तो इसकी पूरी वीडियो फूड एंड क्राफ्ट विद मीनू चैनल पे आप देख सकते हैं। जो लोग नए आए हैं, प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। और सारे फ्रेंड से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को, हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। आज मैं दाल की पराठा बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और काफ़ी अच्छी बनती है। तो पूरी वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तभी आपकी भी ये दाल वाली पराठा जो है बहुत टेस्टी और काफ़ी अच्छी बनेगी। तो हमने यहाँ दाल को कम से कम 4 से 5 घंटे भिगो दी थी। भिगोने के बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा नमक डाल करके इसे कम से कम 4 से 5 सीटी लगा ली हूँ। अच्छे से बॉईल कर लिया हमने दाल को। बॉईल होने से क्या हो गया कि दाल अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ और फटाफट बन भी जाएगा। इधर हमने कढ़ाई गर्म होने रखा है। कढ़ाई में 1 बड़े कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दी हूँ। अच्छा सा ऑयल गर्म हो गया है। थोड़ा सा मैं जीरा लूंगी, इसे क्रैकल करने देंगे। थोड़ा राई का दाना, इसे भी डाल दूंगी, क्रैकल करने दूंगी अच्छे से। बढ़िया सा टेस्ट आता है फ्रेंड, इसे जरूर आप ट्राई कीजिए दाल वाली पराठे की। ये हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है हमने, इसे डाल दूंगी। 1 बड़ी इलायची ली हूँ, इसे भी इस तरह से खोल दूंगी जिससे कि पूरा फ्लेवर दाल में आ जाए। तो 1 बड़ी इलायची इसमें डाल दिया हमने। अच्छे से ये सारे चीजों को क्रैकल करने देंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया सा और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमने 2 छोटे छोटे लौंग ली हूँ, इसे डाल दूंगी। ये बहुत ही बढ़िया और काफी टेस्टी, हेल्दी बोल सकते हैं। अब 1 प्याज को इस तरह से हमने कट कर लिया है। प्याज को ज्यादा बारीक नहीं करना है, बस थोड़ा हमने चॉप कर लिया है हल्का सा। जब आपका दाल बॉईल हो ना, तो फटाफट ये रेसिपी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे आप टिफिन में भी बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और काफ़ी हेल्दी है ये। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कड़ी पत्ते डाल दूंगी और कुछ हमने हरी मिर्च ली है, जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं, इसे डाल दूंगी। और इन सबको कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। ये बहुत अच्छा लगता है, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए हमारी पूरी वीडियो को फॉलो करते हुए। तो बातों बातों में देख सकते हैं ये प्याज जो है अच्छा सा भून गया है, और इसे हम थोड़ा और भूनेंगे। इसी स्टेज पे मैं थोड़ा सा हींग ऐड करूंगी, जो कि दाल वाली पूरी में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमने 1 पिंच हींग लिया हुआ है, इसे डाल दी हूँ। अभी ही प्याज के साथ भून जाएगा ये, तो इसे हम फटाफट कंटिन्यू भून लेना है। तो देख सकते हैं कि प्याज हमारा अच्छा सा भून गया है। ये देख सकते हैं प्याज जो है काफी अच्छा भून गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, आधी छोटी चम्मच। इसमें हम ऐड करेंगे ये धनिया और जीरा का पाउडर है, ये हमेशा मैं बनाकर रखती हूँ। तो आधा चम्मच हमने धनिया जीरा पाउडर डाल दिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छी रेसिपी है फ्रेंड, इसे जरूर आप ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी समय हम गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ऑलरेडी मैंने दाल को बॉईल करते समय डाली हूँ। थोड़ा
थोड़ा नमक भी ऐड कर देते हैं। दाल में ऑलरेडी मैंने थोड़ा नमक डाला हुआ है, तो ज्यादा नमक हम नहीं डालेंगे। इसी समय हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। इन सब मसालों को एक मिनट इसी तरह हमें कंटिन्यू भून लेना है। ये सारा मसाला काफी अच्छा सा भून गया है और ये जो हमने दाल को बॉईल करके रखी थी इसे ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसे हमें मिक्स कर लेना है। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी लगेगी फ्रेंड, इसे जरूर आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, इसमें जो थोड़ा सा पानी है इतना गीला है तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से सूखने देंगे। अच्छे से जब ये सूख जाएगा फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इसे कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से सुखाने में। जब तक ये सूखेगा तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। इधर हमने गेहूं का आटा लिया है, इसमें आधी छोटी चम्मच हमने कलौंजी ली हूं इसे डाल दूंगी। एक पिंच हमने ये बेकिंग सोडा लिया है, आप इसे मैदे के साथ भी बना सकते हैं लेकिन मैं हेल्दी बनाना चाहती हूँ इसके लिए मैं गेहूं का आटे का यूज कर रही हूँ। गेहूं का आटे के साथ बनाइए बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने अजवाइन लिया है, आधी छोटी चम्मच अजवाइन भी हमने इसमें डालना है, जिससे कि चने के दाल से बोलते हैं कि गैस होती है या प्रॉब्लम होता है, तो अजवाइन और हींग का यूज जरूर कीजिए। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आटा है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक लिया हुआ है। एक पिंच हमने हींग ली हूँ। इन सब चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आटे के साथ। मिक्स होने के बाद इसमें हमने कुकिंग ऑयल लिया हुआ 1 बड़े चम्मच इसे ऐड कर दूंगी। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है, बहुत बढ़िया बनता है फ्रेंड। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छी और टेस्टी बन जाती है। और हाँ, आपको अगर लगता है कि सुबह टाइम नहीं है नाश्ता बनाने में, थोड़ी जल्दी है, तो आप इस तरह से आटा लगा करके और जो मैं दाल तैयार कर रही हूँ उसका पूरा प्रोसेस आप देखिए, बनाकर आप रखिए और सुबह सुबह आप टिफिन में बना करके दीजिए बच्चों को। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छा सा डो तैयार कर लूंगी, जस्ट लाइक ये रोटी का चपाती का जैसे आप आटा गूंथते हैं उतना ही होना चाहिए सॉफ्ट। ये आटा काफी अच्छा सा गूंद करके हमने रेडी कर लिया है, बहुत ही बढ़िया सा आटा जो है लग चुका है। ये इस तरह का होना चाहिए डो हमारा, बहुत ही अच्छे से हो गया। इसे ढक करके साइड में छोड़ देते हैं, तब तक आगे का प्रोसेस करते हैं। बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है ये रेसिपी। तो देख सकते हैं कि दाल जो है इतना सूख गया है, इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सुखा ली हूँ। अभी हम गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल कम रखा हुआ है, इसे हम साइड में रखेंगे। एक मैसर लेंगे और इस तरह से अच्छे से पूरे दाल को मैश कर लूंगी। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसी तरह से दाल भी थोड़ा सा हमारा सूख जाएगा और जो पूरा दाल रह गया है वो भी अच्छे से मैश हो जाएगा, ताकि वो जो पराठे बनाऊंगी उसमें स्टफ करते समय दाल बाहर नहीं आएगा। तो इसी तरह से आप अच्छे से मैश करके दाल को भी सुखा लीजिए। ये काफी अच्छा सा भून कर रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो हमने ये कड़ी पत्ते ये सब जो डाली हुई हूँ इस तरह से चून करके निकाल दूंगी। और इसमें हमने जो दालचीनी और बड़ी इलायची जो डाला हुआ है उसे भी निकाल देंगे। उससे क्या होगा कि जब हम पराठे में भरूंगी स्टफ करूंगी तो इस तरह के जो दालचीनी के टुकड़े हैं निकाल देना है और कड़ी पत्तों को निकाल देंगे। ये बहुत अच्छे से भून चुका है, गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद। अभी ये गर्म है तो गर्म में हमें
निकालने को नहीं बनेगा, तो थोड़ा ठंडा कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से जो सामने दिखेंगे उसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से जो दालचीनी के टुकड़े हैं निकाल देना है हमें। और अब भी हम इसी समय ये थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, जिससे कि बहुत अच्छा और काफी अच्छी टेस्ट आ जाती है। तो इसे हमें भून लेना है। गैस की फ्लेम बंद कर दी है हमने, और भूनते हुए जो हमें मिलेगा कड़ी पत्ते और दालचीनी, बड़ी इलायची जो हमने यूज किया हुआ है उसे भी निकाल दूंगी। तो इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसमें हम पराठे बनाएंगे। ये हमने चने की दाल लिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया और काफ़ी अच्छी बनती है, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं इसे ठंडा होने के बाद। तो ये अच्छा सा ठंडा हो चुका है, और इसमें जो हमने ये कड़ी पत्ते और ये सब डाला हुआ था, डाली थी, उन सब चीज़ों को निकाल दी हूँ। ये पराठे बनाते समय प्रॉब्लम ना करें इसके लिए ये ज़रूरी है। अब ये जो मेरा आटा है इसे अच्छे से एक बार फिर से मसल लूँगी। बहुत ही बढ़िया और काफ़ी टेस्टी बनने वाला है फ्रेंड। तो आटा मसलने के बाद ये जो हम सूखा आटा लिए हैं, थोड़ा सा सूखा आटा लूँगी, एक पेड़ा बनाऊँगी। बहुत ही अच्छी लगेगी जब आप इस पूरी वीडियो को फॉलो करेंगे, बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और काफ़ी अच्छा बनने वाला है। तो इस तरह से एक ये स्टफ करना अपना अपना, आपको जिस तरह से आपको आराम लगे उस तरह से आप स्टफ कीजिए। मैंने इतने बड़े एक बाउल बना ली हूँ, और इसको इस तरह से उठा के इसमें स्टफ करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और काफ़ी हेल्दी पराठा है। आप देख सकते हैं ये चने के दाल में हमने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा ये, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसको पैक करूँगी, और इतना ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पानी अगर है, आपको गीला लग रहा है, तो गैस की फ्लेम करके कम और आराम से इसे अच्छे से सुखा लीजिए, ताकि स्टफ़ करते टाइम आपको गीला गीला ना लगे। अगर गीला रहेगा फ्रेंड तो फिर बनाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक से पराठे बनेंगे नहीं। तो इसको साइड करते हैं, फिर सूखा आटा में इसको अच्छे से करूंगी डिप। और इसका बेलने का भी तरीका है, ये बहुत जरूरी है देखना। एक बार आप इस तरह से बेलन चलाइए, फिर इसे आप पलट दीजिए, फिर बेलन चलाइए। इस तरह से जब आप बनाएंगे पलट पलट कर, तो इसका आप खुद रिजल्ट देखेंगे, बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इस तरह से हमें पराठों को बेल ली। पलट के बेलने का एक रीज़न ये है कि जब आप पराठों को खोलेंगे पकने के बाद, तो इसके दोनों साइड का आटा का जो लेयर है इक्वली आपको बराबर मिलेगा, और अंदर जो आपने स्टफिंग किया है वो भी पूरे पराठे में अच्छे से हो जाएगा। इधर हमने तवा गरम होने रख दी हूँ, तवा अच्छा सा गरम हो गया है। इसको हम पलट पलट कर अच्छे से सेक लेते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प करना है। इसमें अच्छा सा घी ऐड लगाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है घी के साथ अगर बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया और काफ़ी टेस्टी लगती है ये पराठा घी के साथ। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ये फूल गया। इसे हमें पलट पलट कर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। बहुत ही बढ़िया और काफ़ी अच्छी पराठा लग रही है देखने में भी, और खाने में तो टेस्टी लगेगी ही लगेगी। तो इसकी पूरी वीडियो जरूर आप फॉलो कीजिए फ्रेंड। जब तक आप पूरी वीडियो फॉलो नहीं करेंगे इतनी अच्छी पराठा नहीं बनेगी। ये चने दाल की पराठा बहुत टेस्टी है। फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे बहुत सारे और भी रेसिपी हैं, आप उस पर देख सकते हैं। तो ये पराठा हमारा रेडी हो गया। तो
इसे हम उतार लेते हैं। एक्स्ट्रा घी को इस तरह से रोक लूंगे। देखिए कितना अच्छा यमी सा पराठा लग रहा है ना, तो इसी तरह मैंने सारे पराठे को इस तरह से सेक करके रेडी कर ली हूँ। आप इस पराठे के साथ खीर लीजिए, खीर खा सकते हैं, खीर बना लीजिए, नहीं तो आप अचार के साथ भी खाइए, बहुत मज़ा आएगा। इस एक्चुअली इसके साथ पराठे के साथ और किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ऑलरेडी ये मसालेदार मसाला हमने तैयार किया हुआ है, दाल का स्टफिंग। बहुत ही बढ़िया और काफ़ी अच्छी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है हमारी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड, एक बार ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।